We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across five zones of the state, GTU. The International Innovative University, your place to move forward. हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पेज पता है मुझे अगेन आज हम पढ़ेंगे वन वे स्लैब जी के अंदर कंपलसरी ये पूछाया जाता है और इसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब तो चलिए ध्यान दीजिएगा एक वन वे स्लैब डिज़ाइन अच्छा एक स्लैब डिज़ाइन करना है ऐसा बोला है वन वे या टू वे कुछ लिखा नहीं है एक स्लैब डिज़ाइन करना है जिसकी साइज़ दी गई है 3.2 और 9.2 मीटर अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक खोल लीजिए पहला सम ही आइए तो आप उसमें खोल के और मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा और आई एस कोड हाथ में रखिएगा तीन सौ एम एम थ्री हंड्रेड एम एम की थिक वॉल है और लाइव लोड दिया गया है टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम ट्वेंटी एफ ई फोर वन फाइव ग्रेड दिया गया है अब पहले तो पता होना चाहिए कि भाई मैं वन वे डिज़ाइन करूँ कि टू वे डिज़ाइन करूँ कहीं लिखा नहीं है कि डिज़ाइन है वन वे स्लैब तो आपको सबसे पहला स्टेप रहेगा एल वाई बाय एलेक्स करने का एल वाई मतलब आपका होता है नाइन पॉइंट टू यानी कि जो सेकेंड वैल्यू रहती है दिस इज एलेक्स एंड दिस इज एल वाई थ्री पॉइंट टू आपका एल एक्स और नाइन पॉइंट टू आपका एल वाई तो एल वाई आपने किया नाइन पॉइंट टू डिवाइड बाई थ्री पॉइंट टू जवाब मिलता है टू पॉइंट एट सेवन फाइव याद रखना जवाब जब भी दो या दो से ज़्यादा आए दो या दो से ज़्यादा आए तो वन वे स्लैब डिज़ाइन करना और दो से कम आए तो टू वे स्लैब डिज़ाइन करना अभी अपना दो से ज़्यादा है इसलिए अपन वन वे स्लैब डिज़ाइन करेंगे वन वे स्लैब में टोटल सेवन स्टेप्स हैं अगर मैं चेक हटा दूं सारे तो टोटल सेवन स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने के हैं डब्ल ई एल बेम डी डबल ई एल बैम डी इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव स्पान लोड कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्जर मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इतना तो आपको करना ही है उसके बाद अगर उन्होंने बोला कि चेक भी करो चेक दो आएंगे या तो बेंडिंग शीयर ये दो में से चेक आएंगे तो अपने को वो दो चेक करने के हैं आज हम आधा यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्जर इस लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर में अपने मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और चेक्स देखेंगे चलिए इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो कंसिडर एल अब अपने पास 9.2 और 3.2 पॉइंट है दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो 3.2 है मीटर में है उसको एम mm एम में कन्वर्ट कर देने का उसको एल कंसिडर कर देने का एल बाय डी इज इक्वल टू डैश इंटू एम ये फॉर्मूला याद रखने की है ये दी नहीं गई है आई ए कोड के अंदर तो एक फॉर्मूला याद रखने की है एल बाय डी इज इक्वल टू डैश इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर ये डैश क्यों किया है मैंने उसके लिए आपको पेज नंबर थर्टी सेवन और थर्टी एट पर ध्यान देना पड़ेगा मेनली पेज नंबर थर्टी सेवन पे पेज नंबर थर्टी सेवन आई एस कोड का ऐसा कहता है कि अगर चलिए पहले पेज नंबर खोल देते हैं पेज नंबर थर्टी सेवन कि हम कौन सा स्लैब डिजाइन कर रहे हैं हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के सामने वैल्यू कितनी लिखी गई है ट्वेंटी तो यहां पे अगर हम कंटीन्यूस करते हैं तो ट्वेंटी सिक्स कैंडिलेवर करते तो सेवन तो सिंपली सपोर्ट ट्रेड के लिए वैल्यू दी गई है ट्वेंटी तो इसलिए ये जो डैश लिखा है यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा ट्वेंटी ओके okay, समझ में आया अब दूसरा ऐसा कहा गया है मॉडिफिकेशन फैक्टर अब मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइन करने के लिए सेम यही जो आपने थर्टी सेवन खोला उसके एक पेज घुमा दो तो पेज नंबर थर्टी एट पेज नंबर थर्टी पे एट पर ऐसा एक ग्राफ दिया गया ग्राफ के नीचे एक फॉर्मूला लिखी गई है एफ एस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एट इंटू एफ वाई ऐसा लिखा गया है कि एफ एस इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव एट इंटू एफ वाई तो एफ एस अपने पास है नहीं एफ़ वाई है तो अपने को एफ एस की वैल्यू मिल सकती है टू फोर्टी एफ वाइव की फोर वन फाइव डाल के तो अपने को टू फोर्टी वैल्यू मिल गई इस ग्राफ के अंदर अपने को स्टील परसेंटेज ये परसेंटेज टेंसाइल एनफोर्समेंट मतलब पी टी ये आपका पी टी होता है पी टी अपने को हमेशा पॉइंट सिक्स अज्यूम करने का कितना पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स मतलब यहाँ पे होगा ठीक है और अपने को एफएस मिला टू फोर्टी तो ये टू फोर्टी का जो कर्व है उस लाइन पे आगे जाते जाने का और पॉइंट सिक्स से ऊपर जाते जाने का दोनों जहाँ पे कोलाइड हो यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं दोनों यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं तो वो वैल्यू ये यूँ जाने दें तो कितनी वैल्यू होगी ये तो वन से थोड़ी कम और ज़ीरो से बहुत ज़्यादा वन से थोड़ी कम मतलब 1.15 ले सकते हैं अपन ठीक है अब याद रखना एफ ई चार हो तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.15 रहेगी एफ ई टू तो 1.8 रहेगी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 1.15 और 1.8 कोई मार्क्स नहीं काटेगा ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देगा तो 1.15 और 1.8 पॉइंट एट हो तब तो हमने ले लिया मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना वन सब वैल्यू आ गई सिवाय डी के तो डी अपने को मिल सकता है क्योंकि अपना टॉपिक ही है इफेक्टिव डेप्थ तो डी फाइंड कर लेने का डी को सब सब कुछ ऊपर डाल के डेप्थ फाइन कर लेने की तो डी इज इक्वल टू थ्री टू डबल जीरो ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट वन फाइव ये आपका हो गया फाइनल आंसर ये जो डी रहता है ये डी आपका रहता है मिनिमम तो इसको अपने को थोड़ा बढ़ा के राउंड फिगर में ले लेने का दैट इज़ 150 फिफ्टी mm, एम आप ज़्यादा ले सकते हो 150 160 कुछ भी ले सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और इससे कम मत लेना इससे थोड़ा ज़्यादा राउंड फिगर में ले लो आप वन भी ले सकते हो ठीक है दोनों आंसर सही रहेंगे ये मिल गया आपको इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ मिलने के बाद अपने को चाहिए कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ के लिए एक फॉर्मूला है कि ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस बार डायामीटर डिवाइड बाय टू प्लस सेंटर टू सेंटर सॉरी क्लियर कवर सॉरी सेंटर टू सेंटर नहीं क्लियर कवर क्लियर कवर हमेशा क्लियर कवर हमेशा ट्वेंटी रहेगा स्लैब के लिए याद रखना क्लियर कवर स्लेब के लिए हमेशा आपको में पूछें कि क्लियर कवर स्लैब के लिए कितना लेते हैं ट्वेंटी बार डायमीटर मेन स्टील जो होता है मेन स्टील अपन टेन एम mm का ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक लाइन लिखी होगी अज्यूम टेन एम एम बार्स मेन स्टील अपन टेन एम mm का ही अज्यूम करते हैं इस वजह से तो डायमीटर प्लस डेप्थ प्लस बार डायमीटर मीटर दस लिया अपन ने डिवाइड बाई टू प्लस ट्वेंटी शॉर्टकट यही है कि आपको जो भी डी मिलता है ना उसमें पच्चीस ऐड कर दो आपको वन मिलता है तो उसमें पच्चीस ऐड कर दो आपको वन सेवेंटी मिलता है तो उसमें पच्चीस ऐड कर दो तो वो आपका कैपिटल डी हो जाएगा तो यहाँ पर अपना इफेक्टिव का डेप्थ का काम ख़त्म इफेक्टिव स्पान पीछे अपन ने जो फाइंड किया था ये जो एल किया था ये तो अपना क्लियर स्पान था क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान दोनों अलग अलग होते हैं क्लियर स्पान मतलब क्या एक मेरी ये दीवार है दूसरी मेरी ये दीवार है दीवार की थिकनेस इतनी होगी इन दोनों के बीच में जो जगह है ना इसको कहा जाता है क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान मतलब क्या अंदर से लेके यहाँ से यहाँ तक का इसे कहा जाता है इफेक्टिव स्पान तो पर ये डिस्टेंस कितना वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना तो इफेक्टिव स्पान फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दो है कि एक तो एल क्लियर स्पान प्लस डी और एल प्लस वॉल थिकनेस दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आपका इफेक्टिव स्पान तो एक अपने को एल जो बत्तीस था प्लस वन अपने को डी जस्ट मिला ऊपर ये रहा ये वाला डी मिला अपने को तो ये किया और दूसरी वॉल थिकनेस 300 वो तो आपको सम के अंदर दी जाएगी वॉल थिकनेस दी गई है कि रेस्टिंग ऑन ए थ्री हंड्रेड एम एम वॉल इसलिए वो दी गई है तो दोनों अपने को मिल गया दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी तो वो आपका एल ई इफेक्टिव स्पान अब आगे सम में जहाँ पे भी एल लिखा होगा मतलब वो एल ई यही वैल्यू कंसिडर करने की याद रखना आगे सम में कहीं पे भी अब एल ई लिखा जाए या एल लिखा जाए अपने को यही वैल्यू कंसिडर करने की रहेगी बत्तीस की वैल्यू फ़िलहाल भूल जाओ ओके लोड कैलकुलेशन लोड कैलकुलेशन पता है तीन टाइप के लोड इसमें होंगे डेड लोड लाइव लोड फ्लोर फिनिश डेड लोड लाइव लोड फ्लोर फिनिश इसमें से आपको दिया जाएगा एक ही लोड लाइव लोड लाइव लोड आपको सम के अंदर दिया जाएगा ये रहा 2.5 पॉइंट फाइव पर मीटर स्क्वायर आपका लाइव लोड आपको सम के अंदर दिया गया तीनों लोड तीनों लोड पर मीटर लेंथ में कंसिडर होंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन 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 लिख दिया है अब देखो पर मीटर लेंथ में कंसिडर होंगे अब कुछ लोगों को सवाल होगा कि वन 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 है नहीं लिखे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है फ़र्क तब पड़ता है जब आप यूनिट लिखते हो टू पॉइंट फाइव की यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और वन की यूनिट रहेगी मीटर तो एक बार कट हो जाएगा तो अब यूनिट चेंज होकर बन जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है यूनिट की वजह से अपने को ये वन 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 यहाँ लिखना पड़ता है अब ये जो वन है दिस इज़ नोन एज बी इन टू कैपिटल डी इंटू रो एरिया इंटू डेंसिटी डेड लोड की अपने फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखी एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो बी इंटू डी कैपिटल वाला इंटू ट्वेंटी फाइव याद रखना यहाँ कैपिटल डी लिखना स्मॉल डी मत लिख देना और वो मीटर में लिखा हुआ है बस वन इंटू वन क्या है ये वन जो है ना दूसरा वाला ये तो अपना पर मीटर लेंथ वाला और दूसरा जो वन लिखा गया अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया यहाँ पर इलाइव लोड अपने को दिया गया है टू पॉइंट फाइव और फ्लोर फिनिश हमेशा वन एज्यूम करने का है फ्लोर फिनिश हमेशा वन एज्यूम करने का मैंने खाली ये ऊपर नीचे लिख दिया था कि वन इंटू टू पॉइंट फाइव आपको लाइव लोड दिया गया है फ्लोर फिनिश हमेशा वन कंसिडर करने का है भूलना मत ओके okay, एज्यूम भी वन ही करने का है दिया नहीं जाएगा सम के अंदर बस तो सबका मैंने एडिशन ये ऊपर नीचे खाली हो गया ठीक है इन सब का एडिशन करेंगे तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा सेवन पॉइंट एट सेवन फाइव किलो न्यूटन पर मीटर फैक्टर्ड लोड अच्छा ये जो मिलता है ये अपना सर्विस लोड अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा सर्विस लोड क्या होता है सर्विस लोड तो जो लोड लग रहा है अब जो लोड अपन डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन करेंगे मतलब उसको फैक्टर्ड लोड किया जाता है कोई भी आपको बोले कि इसका फैक्टर करो डी के अंदर कोई भी आपको बोले कि इसका फैक्टर करो तो आपको क्या करने का इसको वन के साथ मल्टीप्लाई कर देने का अपना पार्शल सेफ्टी फैक्टर वन ही रहता है इसीलिए तो वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको इलेवन वैल्यू मिली इसका यूनिट चेंज नहीं होगा किलो न्यूटन पर मीटर और इसको अपन डब्ल्यू बोलेंगे याद आया यू डी एल होता था यू डी एल पर ऐसे करके अपने यू डब्ल्यू लगा देते ना उसकी यूनिट किलोमीटर पर मीटर तो डब्ल्यू भी मिल गया और यूनिट अपने किलोमीटर पर मीटर तो ये आपका डब्ल्यू रहेगा अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला एम यू इज इक्वल टू मन में सोचो अगर याद आ गया तीन दो एक डब्ल्यू एल स्क्वेर बाई एट ये फॉर्मूला होता था अपने पास यही अपना अगला स्टेप है कि आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने का है तो उसकी फॉर्मूला एम इजल टू डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई एट एल ई लिखा है मैंने क्योंकि अपने को इफेक्टिव लेंथ वाली जो लेंथ है थ्री 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 फाइव जीरो जो अपने को मिली थी वो वाली कंसिडर करने की है मैंने वही इधर मीटर में लिखी है बस तो ये अपने डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है सेम पीछे वाला एल ई है अपने पास डब्ल्यू है अपने पास सब वैल्यू डाली मेरे को एम यू मिल गया समझ में आया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर मतलब क्या कुछ नहीं लिमिटिंग मोमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था लिमिटिंग मोमेंट क्या होता है बैलेंस सेक्शन के लिए कभी भी आप मोमेंट फाइंड करो उसे लिमिटिंग मोमेंट बोलते हैं लिम उसकी फार्मूला है लिम की फार्मूला जीरो पॉइंट वन थ्री टेपसी के ब्रीडी स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको याद रखने की है याद नहीं रहती है तो एस पी सिक्सटीन जिसके पास हो एस पी सिक्सटीन जिसके पास ना हो उनको तो याद रखनी ही पड़ेगी अगर एस पी सिक्सटीन ना हो आपके पास तो पेज नंबर दस पेज नंबर दस पे टेबल नंबर सी के अंदर ये फार्मूला दी गई है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर ये री. एम यू लेम इज टू एफ सी के बी डी दिया गया यहाँ पे टेबल नंबर सी के अंदर फोर वन फाइव हो तो जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के बी डी उठा के ये साइड ले जाओ तो जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के बी डी हो गया टू फिफ्टी दिया है तो वन अब नाइन वन फोर्टी एट भी ले सकते हो सम में कई सम में वन फोर्टी एट भी लिखा होगा तो टू फिफ्टी हो तो वो जीरो पॉइंट वन फोर नाइन एफ सी के बी डी और फाइव हंड्रेड हो तो जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री एफ सी के बी डी ये आपकी एम यू लेम के फॉर्मला है मैं कहूँगा कि इतनी सी मामला तो याद रख लो ये हो गया एम्यूलियम किलो न्यूटन इंटू मीटर में आपने उसको न्यूटन इंटू एम में लिखा क्यों ये जो ट्वेंटी है ना इसकी यूनिट न्यूटन पर एम एम है इस वजह से इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये ट्वेंटी की भी और ये आपका क्या है बी बी कैसे वन थाउजेंड ये अपन ने पीछे किया ना बी इंटू डी तो ये मीटर में था ये भी मीटर में था तो ये वन को एम एम में करना पड़ेगा ना तो इस वजह से आपका बी अभी आगे वाले समय में बहुत बार आगे बहुत बार यूज़ होगा बी तो याद रखना ये वन रहेगा और डी अपने को फ़ाइन करने का है डी अपने को अब डी फाइंड क्यों करने का है डी तो अपन ने पहले पे पहले फाइंड कर लिया वन फिफ्टी ये चेक है कि इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्जर चलेगी कि नहीं चलेगी तो यही बताना चाहते हैं कि डी अपने को मिलेगा इतना सॉल्व करने के बाद सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो जो रिक्वायर्ड है और हमने लिया है वन फिफ्टी जो हमने प्रोवाइड किया है तो तो अपने बहुत इससे तो काफ़ी आगे ही हैं तो ओके अगर आगे ना निकले तो अपने को स्टार्टिंग में जाके मॉडिफिकेशन फैक्टर चेंज करके डी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू याद रख लेना 1.15 और 1.8 इसमें आपके सारे आंसर आ जाएंगे ठीक है तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ तक अपने फ़िलहाल रखेंगे आगे के जो स्टेप हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ इतना पहले रिवाइज़ कर लो टू बी कंटिन्यू थैंक यू